ब्रेकफास्ट इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर हैं। तिनसुकिया में शिवराज ने एक रैली को संबोधित किया। बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की, उनसे बात की है हमारे संवाददाता विजय शर्मा। कुछ के प्रचार है मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, स्वागत है। क्या कहेंगे इस बार असम में कमल का फूल खिल पाएगा? फिर विकास की आंधी है और कांग्रेस ने हमेशा असम को बर्बाद किया, असम को घुसपैठ दी, असम को हिंसा दी, असम का विकास नहीं किया, लोगों को आपस में लड़वाया, बेरोजगारी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व और आशीर्वाद से, सर्वानंद जी, हेमंत विश्वकर्मा जी और पूरी टीम ने विकास की एक नई राह दिखाई। 5 साल में असम के विकास के लिए जो काम हुए कभी 55 सालों में नहीं हुए। और दूसरी बात, कांग्रेस ने अजमल को अपनाया, बदरुद्दीन अजमल, अब जो घुसपैठ के लिए जवाबदार है, जो घुसपैठियों का संरक्षक है, जो ऐसा व्यक्ति है कि जिससे कभी तरुण गोगोई ने भी समझौता नहीं किया, अब वो बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ मुस्लिम लीग से आप समझौता करते हो, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता करते हो, राहुल गांधी गांधी की नहीं चिन्ना की राह पे जा रहे हैं, जिसको असम कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरा पूरा विश्वास है भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। महागठबंधन की जो हुआ है कांग्रेस के साथ, वो स्लोगन एक लगा रहे हैं जो असम को भाजपा ने सिर्फ बेचने का काम किया है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने एक स्लोगन लगाया असम बचाओ, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये गठबंधन थोड़ी ठगबंधन है, ये लोगों को ठगने के लिए। इस गठबंधन की असलियत लोग जानते हैं और जनता अच्छी तरह जानती है। बचाया असम को है कांग्रेस ने, बर्बाद किया भाजपा ने बचाया। तो ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर से कहा जो असम में जो महागठबंधन हुई है वो गठबंधन नहीं, एक तरह के ठगबंधन है, और साफ तौर से कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तिनसुकिया से मैं विजय शर्मा, एनी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक इंडिया रिपोर्टर में, जल्द हाजिर हो।